Myra Fashion, Swami Complex and Vegamall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. इसका पूरा संदेश पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने पंगा ले लिया इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों से विग्रह करके, अपने बयानों से पलट के, तो एक बड़ा जन जागरण पूरे देश भर में शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने भाषा बोली है कि वो राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेंगे, तो शर्म आनी चाहिए कि संविधान से चुना हुआ व्यक्ति जो दंभ भरता है लोकतंत्र का, और वो यदि कानून पास किए हुए संसद के कानून को चुनौती देता है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो सियासत की बजाय ये स्वागत करते, अभिनंदन करते, और यहाँ के उन विस्थापितों को जिनकी मांग उन्होंने कभी करी थी, जिनके जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है, तो मुझे लगता है कि शायद उन नागरिकों को, उन विस्थापितों को संबल मिलता, उनको इज्जत मिलती। ये पंचायत चुनाव, राजस्थान का दौरा लगातार आप कर रहे हैं, प्रदेश में किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार आपका संवाद? जी, मैं बहुत अरसे से राजनीति में हूँ और ये पहली बार देखने को मिला है कि कोई सरकार इस तरीके से अराजक और आक्रमण हो जाएगी कि सरकार का मुखिया, जिसके पास 176,000 मुकदमों का हिसाब नहीं है, लेकिन राजस्थान और जयपुर की अशांति के लिए वो शांति मार्च निकालते हैं, किस तरीके से किसानों के हालात हैं कि उसमें 15 दिन बाद वो पहुंचते हैं जब किसानों की फसलें टिड्डी खत्म कर चुकी होती है, और किसान की जेब टटोलते हैं। किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे थे, विशेष पैकेज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसान पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों के लगभग लाखों किसान ठगे रह गए जब मुख्यमंत्री वहां से केवल मुआयना करके वापस आ गए। राजस्थान में बेरोजगार, अभी बच्चियां जयपुर में टंकी से उतरी नहीं है, लेकिन लाखों बेरोजगार ये इंतजार कर रहे हैं। ये दिगर बात है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे वैभव गहलोत को रोजगार दे के ये मान लिया हो कि राजस्थान के बच्चों को रोजगार मिल गया, लेकिन शर्मनाक हालात हैं, हालात काबू से भी बाहर है। मुझे लगता है कि आक्रोश कहीं सरकार के खिलाफ गलफांस नहीं बन जाए। ये पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव से हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, केंद्र के माध्यम से क्या मदद की जाएगी? अगर राजस्थान सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है तो आशाएं केंद्र से? देखिए, गुजरात की सरकार ने जो आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र से मिलता है उसको यूटिलाइज किया, किसानों को स्प्रे के लिए मदद करी। इस सरकार ने 5 पैसे की मदद अभी तक करी नहीं की है। आपदा का 600 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा केंद्र के मार्फत राज्य को मिल चुका है, लेकिन सरकार नहीं करती है। मुझे अभी हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी ने पूरा मुआयना किया है और केंद्र ने पूरा भरोसा दिया है, ड्रोन से भी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आने वाले समय में केंद्र की सरकार की तरफ से वहाँ के किसानों को यदि ये सरकार इनिशिएटिव लेती तो शायद अभी तक मदद मिल जाती। गुजरात को मिली है तो राजस्थान को बेशक मिलती, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सर, जो अमित शाह का दौरा है उस पर भेदभाव तो गहलोत साहब कर रहे हैं, जन घोषणा पत्र से गहलोत साहब मुकर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के 2003 के भाषण से वो मुकर रहे हैं, अपने लिखे हुए पत्र से मुकर रहे हैं। मसला ये है कि इस समय वो पश्चिमी राजस्थान बड़ा हिस्सा है जहाँ पर विस्थापित रहते हैं, तो मुझे लगता है विस्थापितों के साथ अन्याय करने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो स्वागत करते और उनको नागरिकता देते। भाई साहब, कोटा में लगातार आंकड़ा अब 100 के पार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अफसोस हुआ और मैं खुद मौके पर गया और वहाँ के हालात देखे, बहुत अलार्मिंग है। और 100 से भी ज़्यादा बच्चों की मौत होना ये चिंताजनक है। 48 घंटों में 10 बच्चों की मौत, उसके बाद सरकार के किसी मंत्री का वहाँ नहीं पहुँचना, चिकित्सा मंत्री का नदारद होना और मुख्यमंत्री का केवल सियासी बयानबाजी करना, उस पर भी ये बोलना कि मौतें होती रहती हैं, मुझे लगता है कि शर्मनाक है। सरकार शर्म की हदें पार कर चुकी है। मुझे चाहिए कि केंद्र इसमें इंटरवीन करे। हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, उनको संज्ञान में लाएंगे, लेकिन सरकार का कोटा में बच्चों की मौत पर आचरण ये निश्चित रूप से निंदाजनक है।